नमस्ते दोस्तों, आज दिलवर किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी हम लोग घर पे कैसे नई तरीके से मिठाई बना सकते हैं उसकी विधि बताएंगे। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी वीडियोज होगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो हम लोग मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हो मिठाई बनाने के लिए ये मैंने लिया है पैन। तो सबसे पहले पैन में हम लोग डालेंगे दूध। अब देख सकते हैं हम लोगों ने दूध डाल दिया और दूध मैंने थोड़ा सा पहले से गर्म दिया है। तब हम लोग इसमें बड़े चम्मच डालेंगे चीनी के। हम लोगों को 1.5 चम्मच डालना है चीनी का इसमें। तब हम लोग चीनी को मिक्स करेंगे दूध में और हम लोगों को थोड़ी गाढ़ी चाशनी बनानी है। आप देख सकते हैं आप चीनी की जगह जो मैंने दूध लिया उसके जगह आप पानी भी डाल सकते हैं, पर इसमें दूध अच्छा लगेगा ज़्यादा। हम लोग चीनी को इसमें मेल्ट कर लेंगे। तो ये दूध हम लोगों को थोड़ा फटेगा, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों का दूध भी फट चुका है। तो हम लोगों की चाशनी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हम लोगों को इसको 2 तरह की चाशनी बनाना है। तब हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो हम लोगों के देख सकते हैं हम लोगों की अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो हम लोग इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर डालते समय हम लोगों को इसको मिक्स करते रहना है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं मैंने 250 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। तो मिल्क पाउडर को हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं हम लोगों की बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो हम लोग अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मक्खन। तो मक्खन को हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मक्खन से होगा ये कि हम लोगों की जो मिठाई बनने जा रही है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे हम लोगों की ज़्यादा सॉफ्ट होगी इसलिए अच्छा लगेगा इस मिठाई में। आप इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं मक्खन की जगह। तो हम लोगों का बनके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग 2 लेयर की मिठाई बनाएंगे। तो हम लोग इसको अब थोड़ा सा हम लोग वाइट वाला रख लेंगे और थोड़ा हम लोग जो कलर डालने वाले हैं वो रख लेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रख लेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे कोको पाउडर। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है। तो हम लोग कोको पाउडर को मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लैक हो चुका है। तो हम लोगों का तैयार हो चुका है। तो हम लोग अब गैस बंद कर देंगे और हम लोग थोड़ा सा ठंडा करेंगे दोनों ही पेस्टों को। तो हमारे दोनों ही पेस्ट आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा हम लोगों का इस तरीके से हम लोगों को बनाना है और ये थोड़ा सॉफ्ट है हम लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग जो व्हाइट वाला है उसको इस तरीके से आधा तोड़ लेंगे, आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग इसको इस तरीके से लंबा हम लोगों को इस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने इस तरीके से इसको कर दिया और इसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्लैक जो हम लोगों ने चॉकलेटी इसको बनाया है उसको भी हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। तो हम लोग इसको साइड में रख देंगे और जो हम लोगों का ब्लैक वाला है उसको हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। तो हम लोगों का आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों ने रोल कर लिया है इसका। तो हम लोग अब इसको इस तरीके से कट कर लेंगे दोनों को ही, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। हम लोग 2 तरीके के बनाने जा रहे हैं तो हम लोग सभी को इसी तरीके से बना लेंगे, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है ये वाला जो हम लोगों ने ये वाला बनाया है चॉकलेट वाला। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोगों की बन चुकी है। तो हम लोग व्हाइट वाले को भी इसी तरीके से बना लेंगे।
तुम्हारी देख सकते हैं मिठाइयाँ तैयार हो चुकी हैं, तो कुछ को मैंने इस तरीके से रखा है और जो थोड़ी सी बची हुई थी उस पेज को मैंने इस तरीके से कर दिया, आप देख सकते हैं। हमारे सिंपल तरीके से मिठाई बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनी, अगर आप इसको खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये थोड़ी सी जो ये हम लोगों ने ये वाली साइड की मिठाई बनाई है, ये थोड़ी सी हम लोगों को काटने में दिक्कत होगी पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये टूट जाती है, ये बस थोड़ी सी काटने में दिक्कत होती है इसको, नहीं तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो हम लोगों ने पहले हम लोगों ने इसको बना लिया था, इसको थोड़ा सा सेकंड में बनाया था इसलिए थोड़ी सी टाइट हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।